टॉयलेट के जो पानी होते हैं ना वो गिरते हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। से स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में जिसका नाम है दिल से देसी ब्लॉग, और इस समय मैं पहुंच चुका हूँ राजघाट लेफ्ट साइड में, यहाँ पर नमो घाट है, वहाँ पर निर्वाचन और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से घाट बनाया गया है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी वाराणसी का एक नमूना यहाँ आप देख सकते हैं। ये मॉडिफाइड गुमटी है जो कि अभी लॉक करके रखा गया है। यहाँ पर राजघाट, भैंसासुर घाट, शौचालय, फूड कोर्ट और आदि केशव घाट का पूरा यहाँ पर शाइन दिया गया था। ये गेल लिमिटेड की ओर से यहाँ पर बनाया गया है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पार्किंग लेयर है, पूरा ऊपर बाइक पार्किंग है और यहाँ पर देखिए कार पार्किंग है। देखिए ऊपर मेरे ट्रेन जा रही है। गंदे जो टॉयलेट के जो पानी होते हैं ना वो गिरते हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। अभी इसका वैसे काम कराना चाहिए, यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा लगा देना चाहिए जिससे ये पानी ना गिरे। आप देख सकते हैं कि गंदा पानी जो होता है टॉयलेट का वो यहाँ पर गिर रहा है, और शायद कैमरे में आपको दिखाई ना दे। अभी एंट्रेंस क्रॉस होने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगा। ये वाटर लेवल इंडिकेटर है जो सामने आप देख रहे हैं, और पानी इसके ऊपर तक आ गया था अभी बारिश में। ये सब एरिया जो आप देख रहे हैं ये सब पानी के अंदर था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो गई थी जिसकी साफ़ सफाई अब हो गई है। नीचे के साइड अभी जस्ट ही गंगा का जलस्तर कम हुआ है, और इससे पहले अगर हम पानी की बात करें तो वहाँ ऊपर तक जो आप देख रहे हैं ये जो पत्थर का लास्ट पॉइंट है वहाँ तक अभी पानी पहुँच गया था। हालाँकि अभी गंगा का जलस्तर नॉर्मल हुआ है और घट गया है, लेकिन करीब 15 दिन पहले तक यहाँ पर काफ़ी बाढ़ की स्थिति थी। और ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पर बोट्स जो हैं वो किनारे पर खड़ी करके रखी गई है। और दोस्तों, डाला छठ और देव दिवाली दोनों का सीज़न है। डाला छठ तो आज डाला छठ का दूसरा दिन है, देव दिवाली यहाँ पर 7 और 8 तारीख को मनाई जानी है। और अगर नावों की बात करें तो नाव पूरी बुक हो चुकी है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। आइए आगे चलते हैं और आपको खिड़किया घाट दिखाते हैं। ये सामने पूरा खिड़किया घाट का व्यू है, और अभी ये सारा सब कुछ जो है पानी में डूबा हुआ था। काफ़ी वैसे साफ़ सफाई अब हो गई है, और जलस्तर भी गंगा का काफ़ी अब घट चुका है। सामने आप देख सकते हैं मोटर एम्बुलेंस है, लाइन से यहाँ पर खड़ी है। दोस्तों, जल थल वायु हर तरीके की आपको यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीच वाले में से ट्रेन जाती है, ऊपर से व्हीकल्स चलते हैं, और इस साइड आपका काशी स्टेशन है। दोस्तों, काशी में गंगा किनारे ये खिड़किया घाट जो बनाया गया है, यहाँ पर नमस्ते के आकार का 3 स्कल्पचर है, और यहाँ सामने आप देखिए ट्रेन जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और ये जो प्रधानमंत्री जी जो कि वाराणसी यानी काशी के सांसद भी हैं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। ये आप देख सकते हैं गेल इंडिया लिमिटेड का ये फ्लोटिंग CNG स्टेशन है, यहाँ पर लोग फ्यूल लेते हैं, और इसी के चलते यहाँ के लोग प्रधानमंत्री के सम्मान में इसका नाम नमो घाट के नाम से पुकारने लगे हैं, और अब ये नमो घाट के भी रूप से प्रचलित है। इस नए पर्यटन स्थल को नभ, जल, थल तीनों से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ 2 हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, और ई रिक्शा कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, और बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म जो बने हैं इनमें बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधा होगी। ये ओपन थिएटर आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ओपन थिएटर टाइप का बनाया गया है, और सामने आप देख सकते हैं जो ये सीढ़ियाँ हैं इस पर लोग बैठकर थिएटर का आनंद उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी दृश्य। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ दर्शन और वाटर स्पोर्ट की सुविधा भी मिलेगी, उसके लिए टिकट भी आपको यहीं से मिलेगा, और नाव की भी सुविधा यहां से आप लोगों को मिलेगी जिससे आप पूरा वाराणसी देख सकते हैं और पूरे वाराणसी को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहां पर। इनमें 25-25 फीट के 2 हाथ आपको दिखेंगे, और 1 हाथ जो है वो थोड़ा सा छोटा बनाया गया है, और इसमें मेल, फीमेल और बच्चे का भी हाथ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ 4था स्कल्पचर बनाने की भी तैयारी है, और जो 4था स्कल्पचर बनेगा वो 75 फीट का होगा। तो अभी ये जो सीढ़ियाँ हैं ना वो नाव का जो है जहाँ एंड हो रहा है, नाव के आगे तक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये लोहे का जो एंगल है एक्चुअली सीढ़ियों का ही एरिया है जो पूरी तरीके से अभी मिट्टी से ढका हुआ है। तो देख सकते हैं ये बैठने के लिए बना हुआ है,
लेकिन अभी भी आप नोटिस करेंगे कि इस साइड जो मिट्टियाँ हैं वो अभी भी आपको देखने को मिलेंगी। इधर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पर। इसमें मैं ऊपर के साइड आ चुका हूं और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये अभी बनाया जा रहा है, बिल्कुल जो है जालीदार। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरिंग जो की गई है, इसमें सैंड फिलिंग की गई है। और इधर अगर कैमरा अगर फोकस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इधर भी काम अभी लगा हुआ है और ये अभी काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा दोस्तों। उधर भी आप देख रहे होंगे कभी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल होते हैं, सब इकट्ठा करके रखे गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तक तो इधर यहाँ तक कुछ नहीं था। इस साइड भी आप देखेंगे तो इधर मंदिर है और ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पीपल का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, यहाँ पर हेलीपैड भी बन रहा है और इस साइड में भी हेलीपैड बनेगा। इधर आप जो मेरे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और ये काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन होने वाला है वाराणसी का और ये काफ़ी लुभा रहा है लोगों को, क्योंकि इससे पहले ना बनारस में 84-85 घाट हुआ करते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा घाट जो है नरेंद्र मोदी जी ने सौगात दिया, वाराणसी वालों को भेंट किए हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसको पूरी तरीके से कम्प्लीट होने में अभी 1.5 साल और लग जाएंगे। सर बहुत अच्छा प्यारा सा एक मुझे ये बोट हाउस टाइप का लग रहा है, तो मैं एक बार जूम करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर। आप देख, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और पानी में ये फ्लोट कर रहा है, ये तैरता हुआ है। और उधर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा फ्लोटिंग जो ब्रिज होती है वो पानी में है। उस साइड भी आप पानी जो है गंगा उस पार की बात करें तो उधर भी पानी अब काफ़ी घट गया है और जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हालांकि अभी उसका कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलहाल अभी जो कंडीशन है वो ये है कि पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खिड़किया घाट का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। खिड़किया घाट, नमो घाट, कुछ भी कह सकते हैं आप। मेरे पीछे मालवी ब्रिज यानी जिसको राजघाट पुल भी कहते हैं और ये काफ़ी पुराना है दोस्तों, अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पुल है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।